हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे 777 चार्ली। ये पर्टिकुलर मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे की, और इसमें हमें नजर आते हैं नन अदर देन रक्षित शेट्टी, जो कि हमें नजर आते हैं अवन श्रीमन नारायण। और इस पर्टिकुलर मूवी के बाद रक्षित शेट्टी की मैंने काफी मूवीज देखी और उनका रिव्यू भी किया, इस चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल हम लोग इस पर्टिकुलर मूवी की बात करें। अगर किसी मूवी को देखते दौरान आप लोग प्रार्थना करने लगो कि एंड में ये होना चाहिए, तो समझ लेना कि वो मूवी पूरी तरह से कामयाब हो गई। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मूवी एक स्क्रिप्ट होती है, पूरी की पूरी चीज़ें पहले से शूट है, फिर भी आपका दिल मानने को ही तैयार नहीं कि भाई ये जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं फेक है, मतलब आपको रियल महसूस होती है, तो वहाँ पर ये मूवी सक्सेस हो जाती है। और दूसरा, आप अपने डॉग के लिए किस हद तक जा सकते हो, क्या धर्मा यानी कि इस मूवी में जो रक्षित शेट्टी ने जिस कैरेक्टर को प्ले किया, धर्मा जो जो करता है अपने डॉग के लिए वो कर सकते हो, वो सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। फिर इस मूवी की कहानी सिंपल सी है कि धर्मा, जिसने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया है, अब इसकी लाइफ में जीने की कोई वजह नहीं बची, लेकिन फिर भी ये जिए जा रहा है। और दूसरी तरफ एक लैब्राडोर डॉग है जो एक कैद से आज़ाद होकर लंबा सफ़र तय करता है, और किसी तरह से उसकी मुलाकात होती है धर्मा से। अब धर्मा और चार्ली दोनों मिलके क्या करते हैं और उनके साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। क्योंकि यार मूवी की सबसे अच्छी बात है केमिस्ट्री धर्मा और चार्ली के बीच। ये केमिस्ट्री ऐसी है जो उस केमिस्ट्री में आप लोग अपने आप को फील करोगे। अब उस डॉग में आप अपने डॉग को भी फील कर सकते हो, आप धर्मा में भी खुद को भी फील कर सकते हो। आप यही चीज इस मूवी की सबसे ज्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा इस मूवी का जो म्यूजिक है वो सीधा दिल पर लगता है और बहुत मजा आता है सुनकर। और जो इमोशनल सीन्स है, कोई पत्थर दिल भी होगा तो इस पर्टिकुलर मूवी को देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन इस मूवी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इसके स्टार्टिंग के 50 मिनट। हालांकि स्टार्टिंग के 50 मिनट से इसने इस सिचुएशन को क्रिएट करने की मदद की है, लेकिन वो 50 मिनट थोड़े से लंबे लग सकते हैं। अगर वो 50 मिनट को शॉर्ट करके 30 मिनट करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 50 मिनट के बाद जब रक्षित शेट्टी को पैनिक यानी कि धर्मा को पैनिक अटैक होता है, तो उसके बाद वो जो बॉन्डिंग बनती है ना धर्मा और चार्ली के बीच में, वहाँ से मूवी कहीं पर भी पीछे देखती है नहीं। मूवी का क्लाइमैक्स बहुत अच्छी तरह से शूट किया है। और यहीं पर सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो भाई वो सारी चीज़ें जो आप लोग देखोगे स्नो वाली, वो सब रियल लोकेशन पे शूट हुई है, बहुत ही हार्श शूट हुई है। वो स्क्रीन पर देखकर आपको भी कपकपी महसूस होती है। एंड थ्रू आउट द मूवी आप प्रे करते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, थ्रू आउट द मूवी आप प्रे करते हो। किस लिए प्रे करोगे उसके लिए भी भाई एक बार मूवी जाके देखना। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई रक्षित शेट्टी, वाह क्या परफॉर्मेंस किया, स्पेशली जो उनके इमोशनल सीन्स थे मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन उनसे भी अच्छा एक्सप्रेशन दिया वो उस डॉग ने, डॉग के वो जितने भी एक्सप्रेशन थे ना वो मतलब आपका दिल तोड़ देते यार। मूवी का डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, मूवी की राइटिंग अच्छी है, लेकिन जो इसका एडिटर है उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे के बजाय अगर ये मूवी को 2.5 घंटे या थोड़ा कम रखते तो वो ज़्यादा अच्छा होता मेरे ख्याल से। लेकिन कोई बात नहीं, साउथ की ऑडियंस को 3-3 घंटे की मूवी अच्छी लगती है। एंड लेंथ इसका एक इशू नहीं भी है, क्योंकि पता नहीं चलता यार आप एक अलग ही जोन में होते हैं इस पर्टिकुलर मूवी के दौरान। चलो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर मूवी आपको जाके देखनी तो डेफिनेटली जाके देखो, आपकी फैमिली से जाके देखो, असली कुछ भी नहीं है। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को और इस कोशिश को और इतनी बेहतर कोशिश को 8.5 दूंगा आउट ऑफ 10। डेफिनेटली ये मूवी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी, और स्पेशली जो डॉग लवर्स है तो उनके लिए तो मतलब ये किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी बाय।